नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत ईएमयू के 200 स्लीपर वेरिएंट को डिजाइन और बनाने का टेंडर निकाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि वंदे भारत इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब इस ट्रेन का स्लीपर वर्जन आने वाला है। अभी तक इसमें सीटिंग क्लास के कोचेस थे। ये कॉन्ट्रैक्ट करीबन 260 बिलियन रुपए का होगा। जो भी बिडर ये कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा उसे आगे 15 साल तक इन स्लीपर ईएमयू के रखरखाव की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इंडियन रेलवेज ने इससे पहले भारत में निर्मित वंदे भारत के ट्रैक्शन के इक्विपमेंट विदेश से मंगवाए थे और पूरी उम्मीद है कि वंदे भारत ईएमयू का स्लीपर वर्जन चेन्नई में स्टेट डाउन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में और लातूर की मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे। जो भी बिडर ये टेंडर जीतेगा उसे चेन्नई और लातूर की फैक्ट्री को पहले अपग्रेड करना पड़ेगा और जो भी स्लीपर ईएमयू के सर्विसिंग और रखरखाव के लिए नया डिपो बनेगा उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर जिसमें मोशन बेस्ड सिमुलेटर्स हो बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.3 बिलियन रुपए निर्धारित की गई है। ये कीमत सबसे नीचे स्तर की बताई गई है। ये पूरा का पूरा टेंडर 82 महीनों के लिए दिया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने से लेकर डिलीवरी स्टार्ट होने के बीच का समय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वंदे भारत ईएमयू का पहला स्लीपर वर्जन हमें 2029 के बाद ही देखने को मिलेगा। इंडियन रेलवेज ने बिडिंग से पहले एक कॉन्फ्रेंस 20 मई को निर्धारित की है, जिसमें इंटरेस्टेड बिडर्स भाग ले सकते हैं। इस कॉन्ट्रेस्ट के लिए बोलियां 26 जुलाई को बंद हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में कोयला ढुलाई के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से ज्यादा हॉर्स पावर के 6 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ऑर्डर किए हैं। 2019 में चालू हुए 1.6 गीगावाट के ये पावर प्लांट कोयले की ढुलाई रेल से करता है। ये कोयला रायगढ़ के मांड कोल फील्ड से आता है। ये कोल फील्ड स्पेशली छत्तीसगढ़ ईस्टर्न रेलवे को डेडिकेटेड है। ये कॉन्ट्रैक्ट 25 अप्रैल को अनाउंस किया गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने एक बयान में कहा कि इंडिया में पहली बार 6000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऑर्डर किसी इंडस्ट्रियल कंपनी ने दिया है। जैसे कि पूरी दुनिया ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कार्बन एमिशन को सीमित रखने के लिए नए नए तरीके खोज रही है, वैसे ही पर्यावरण के अनुकूल भेल भी इंडस्ट्रीज के लिए इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना रही है। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन झांसी के भेल फैसिलिटी में असेंबल होंगे। ये लोकोमोटिव IGBT बेस्ड ट्रैक्शन पैकेज के साथ आएंगे, जो बेंगलुरु फैसिलिटी में बनेंगे। ट्रैक्शन मोटर्स भोपाल के प्लांट में तैयार होगी। भेल इससे पहले 450 से ज्यादा अलग अलग पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स इंडियन रेलवे को सप्लाई कर चुका है। भेल ने अपने पहले सबसे पावरफुल 6000 हॉर्स पावर का WAG-97 लोकोमोटिव सितंबर 2018 को डिलीवर किया था। भेल के झांसी प्लांट एक साल में करीब 100 लोकोमोटिव बना सकता है।